मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस ने ऐसे 7 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया जो भोले भाले लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसे निकालने का काम करती थे, जिनके पास से पुलिस ने कई बैंकों के एटीएम कार्ड, एक मोटरसाइकिल, एक कार और तकरीबन 4,500 की नकदी बरामद की। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र की कच्ची सड़क चौकी के अंतर्गत 2 ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें भोले भाले लोगों के साथ धोखेबाजी कर एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से कैश निकाल लिए गए थे, जिसके चलते आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऐसे 2 धोखेबाज अश्विनी चौहान और जगमोहन को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने कई बैंकों के 7 एटीएम कार्ड, एक शेबलोर वीट कार, एक मोटरसाइकिल और 4,500 रुपये बरामद किए। पुलिस पूछताछ में इन शातिर बदमाशों ने बताया कि एटीएम कार्ड पर जाकर भोले भाले लोगों के साथ धोखेबाजी कर उनका एटीएम कार्ड बदल लेते थे और फिर दूसरे एटीएम पर जाकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस शातिर बदमाशों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। चोरी का खुलासा किया गया है, ये आप लोगों को अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कच्ची सड़क जो चौकी पड़ती है उस क्षेत्र में कुछ दिन पहले 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें जो वादी हैं उनसे एटीएम में जाके कोई जो ये जो 2 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, अश्विनी चौहान और जगमोहन, ये एटीएम बदल लेते थे और फिर दूसरे एटीएम में जाके इनके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेते थे। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। जगमोहन जो है इसमें पहले भी देहरादून से जेल गया हुआ है और दोनों ही जनपद सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें 4,500 रुपये, एक मोटरसाइकिल और एक कार जो है वो हमने बरामद की है और इनके अकाउंट में लगभग 40,000 रुपए थे, उनको भी हमने फ्रीज कराया, उसको भी हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटरसाइकिल कार क्या चोरी की है सर या खुद की है? नहीं, ये इनकी खुद की है, लेकिन इनकी जानकारी कर रहे हैं कि जो ये इन्होंने जो चोरी की उसी से संभवतः इन्होंने खरीदी है। आपराधिक रिपोर्ट क्या? जगमोहन जो है इसमें वो पहले भी देहरादून से जेल गया है और जो दूसरा आदमी है उसका अभी तक कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड जो है अभी प्रकाश में नहीं है। मुजफ्फरनगर में क्या घटना हुई? मुजफ्फरनगर में ये जो 2 लोग थे, ब्रिजपाल और पूनम रानी, ये लोग अपना एटीएम से पैसे निकालने गए हुए थे और ये लोग वहाँ एटीएम पे रहते हैं और वहाँ पे उनको बेवकूफ़ बना के उनका एटीएम ये बदल लेते थे और फिर बाद में दूसरे एटीएम से में जाके इन्हीं एटीएम से ये कैश विड्रॉ करते। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।